दोस्तों मुसलमानों के प्रति कांग्रेस का असली चेहरा सामने में आया है और इसको लेकर MIM ने घेरा है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएंगे जहां पर MIM के प्रवक्ता असीम अकार ने कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को घेरा है और वहीं राहुल गांधी के न्याय यात्रा को लेकर सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी जी शर्म नहीं आती आपको? प्रियंका जी शर्म नहीं आती आपको? राहुल गांधी जी आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल लें, ये न्याय है आपका? ये न्याय है आपका? ये कैसा न्याय है कि एक बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालने वाला मुस्लिम बच्ची, नाबालिग बच्ची, 8 साल की मासूम बच्ची के बलात्कारियों को बचाने के लिए तिरंगा रैली निकालने वाले आदमी को कांग्रेस न्याय यात्रा दे रही है और न्याय कर रही है उसके साथ? आपको शर्म नहीं आती? मैं प्रियंका गांधी जी से पूछ रहा हूं, आप भी एक महिला हैं, आप भी एक लड़की हैं, आपके भी बच्चे हैं, क्या ऐसा व्यक्ति कांग्रेस में चुनाव लड़कर लोकसभा जाएगा? पवन खेड़ा साहब, आपकी अगर बच्ची होती आसिफा, क्या तब भी आप इस तरह से मुस्कुरा के और हंसकर उसको माला पहना रहे होते? प्रियंका जी, अगर आसिफा बच्ची आपकी होती तब भी क्या आप इस चौधरी लाल सिंह को पार्टी में शामिल कर लेती? और कांग्रेस के मुस्लिम नेता अपने को मुसलमान मुसलमान कहकर जब आसिफा का मासूम बच्ची का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, तो अलविदा 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 आसिफा कहकर एक नज्म पढ़ के लाखों रुपए कमाने वाला नेता, लाखों रुपए कमाने वाला शायर, उस वक्त तो तुम आसिफा के साथ थे, आज तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है। मैं अखिलेश जी से पूछ रहा हूं कि अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश में आपके साथ कांग्रेस एलाई पार्टनर है, आपकी गठबंधन में है आप लोग, आप भी खामोश बैठे हुए हैं? जब इस तरह के बलात्कारियों के समर्थन करने वाले लोग, बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकालने वाले लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे और टिकट लेंगे, तो आप कैसे सामना करेंगे लोगों का? बिहार में तेजस्वी जी, मुसलमानों का वोट चाहिए आपको? राहुल जी से पूछेंगे आप कि आपका यह न्याय है कि मुसलमान बच्ची के लिए, मुसलमान बच्ची के खिलाफ बलात्कारियों के साथ खड़ा होने वाला आपकी पार्टी में? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, यहां तो आप बहुत सुचिता दिखाते हैं, सभ्यता दिखाते हैं, कैसे परमिशन दे दी आपने चौधरी लाल सिंह को पार्टी में लेने की? और इमरान प्रतापगढ़ी हो गए, सलमान खुर्शीद हो गए, इनकी आवाजें बंद हैं? मैं जनता से कह रहा हूं कि जहां भी कांग्रेस के मुसलमान नेता दिखें, बढ़िया वाले टमाटर और सड़े हुए अंडों से इनका स्वागत कीजिए। ये इसी काबिल हैं जो अपनी पार्टी में रहकर अपनी पद के लिए, अपने पैसे के लिए आवाज नहीं निकाल पा रहे हैं। एक मासूम बच्ची के कातिल के साथ खड़े हुए लोगों को पार्टी में लिया जा रहा है। आप न्याय करेंगे भारत में? आप न्याय यात्रा निकालेंगे? माफी मांगिए देश से। और अखिलेश यादव जी, अगर आपने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई और इस बलात्कारी का समर्थन करने वाले चौधरी लाल सिंह को बाहर नहीं किया गया, तो मुसलमान इस लोकसभा में करारा जवाब देंगे आपको, आपको भी देंगे, राहुल जी को भी देंगे, तेजस्वी जी को भी देंगे, आम आदमी पार्टी को भी देंगे। अगर आप चाहते हैं मुसलमान